नमस्ते, मेरा नाम फरीदा खातून है। 65 इन चालीस ब्लॉक से आए हैं। छोटे से मेरा पढ़ने लिखने का बहुत मन था, आगे जाने का मन था, पढ़ाई लिखाई बहुत तेज भी थे। मेरे मम्मी पापा बोलते थे मेरी ये लड़की पढ़ के बहुत आगे जाएगी, लेकिन मेरे पापा का डेथ हो जाने के बाद मम्मी दूसरों के घर में काम करती है, तो इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है मम्मी को। तो मम्मी स्कूल छुड़ा देती है, लेकिन अचानक से 2012 में सिमी का जो वर्ड 65 में माँ और बच्चे को लेकर काम होता है, वो फील्ड वर्कर आलोदी जो वहाँ पे विजिट करने गई थी, तो उनसे मेरा मुलाकात हुआ। तो उनसे मुलाकात करने के बाद आलोदी मुझे सब कुछ पूछी कि हम घर में क्यों रहते, पढ़ाई नहीं करते। तो मैंने उनको सब बात बताया, तो बोली कि मेरा ऑफिस हम सिमी में जाके जरूर बात करेंगे तुम्हारे बारे में, अगर हो सकते तो हम तुमको जरूर कुछ हेल्प करा देंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। इस साल मैं माध्यमिक दूंगी ओपन स्कूल से। तो चाइल्ड सिमिक से ही हम लोग एक ग्रुप तैयार किए हैं बच्चे लोगों का, छोटे बड़े बच्चे मिला के 11 से 18 साल के अंदर में आपस में 25-30 जन का लड़का लड़की मिला के हम लोग का एक ग्रुप है, जिसमें जो 6 जन है वो लीडर है, बाद बाकी जो लोग है वो ग्रुप में ऐसे ही मतलब मेंबर है। और हम ये विशेष करके हम ये भी आप लोग को बताना चाहते हैं कि सिनी में नहीं रहने से मेरा कितना प्रॉब्लम हुआ, और सिनी में आ जाने के बाद मुझे फिर से पढ़ने लिखने का मौका मिला, बहुत सारे जगह जाने का मौका मिला, जैसे कि मैं दिल्ली गई थी और दूरदर्शन चैनल में गई थी और रेडियो में गई थी और जी बांग्ला में जो दादागिरी का प्रोग्राम चलता है उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला। तो उसमें गई, मैं इंटरव्यू भी गई थी, वहाँ पर सभी वर्ड से लड़की लड़के लोग आए थे, लेकिन वो लोग बच्चे लोग आपस में बच्चे लोग के साथ बैठे थे, लेकिन दीदी लोग जो मुझे लेके यहाँ से गई वो लोग मुझे सब बड़े लोग के साथ बहुत बड़े बड़े। तो आगे हम ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सिनी के साथ हम ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, और हम पढ़ाई लिखाई जो मेरा बहुत पीछे छूट गया हम उसको आगे लाना चाहते हैं। और सिनी के साथ जुड़े रहने में इतना जगह जाने का मौका मिला जो मेरे लिए सपना था, क्योंकि टीवी रेडियो ये सब हम लोग सिर्फ सुनते थे देखते थे, लेकिन खुद हम वहाँ पे जाके बोले, मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि टीवी में जाके बोले रेडियो में गए, लेकिन सिनी की वजह से हम जा पाए वहाँ जगह में। अगर मुझसे अगर कोई पूछे तो हम पूरा दिल से सिनी का नाम लेंगे, मेरा सेकेंड मदर फादर सिनी है। आगे मैं कहाँ रहूँ कैसे रहूँ, लेकिन मैं सिनी के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।